स्वरूप लता, स्वरूप लता, ये कहाँ मर गई स्वरूप लता? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये घर है तुम्हारा, स्कूल नहीं, जब बच्चों पे चिल्लाते रहते हो। नहीं, मैं तो तुम्हें खुशखबरी देना चाहता था। क्या, तुम टीचर से प्रिंसिपल बना दिए गए? अरे नहीं भाई, वो हमारे दोस्त थे ना शर्मा जी, उनको टीचर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया। लो लड्डू और बर्फी खाओ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमेशा सबकी खुशियों में नाचते रहते हो, तुम्हारी तरक्की कब होगी? अरे भाई मेरी तरक्की कैसे हो सकती है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, सिर्फ एम ए बी एड हूँ। मेरे साथ के तो कोई PhD है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो तुम PhD कर लो ना। मैं? तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाएगा और तुम फिर प्रिंसिपल बना दिए जाओगे। अरे हाँ भी, बात तो तेरी ठीक है। अच्छा मैं अभी आता हूँ। हाँ कहाँ चले? PhD करने। आते वक्त आधा किलो टिंडे और एक झाड़ू ले आना। मुझे PhD करनी है। क्या PhD लगा रखा है, जानते हो PhD का मतलब? जानते हो फुल फॉर्म? जानते हो? नहीं। ये तो जानते हो नहीं, करने चले हैं PhD। ठीक है भाई, हमारा काम था आपको बताना, बता दिया, बाकी तुम जानो, तुम्हारी किस्मत जानो। अच्छा आप एक फॉर्म तो दे दीजिए। ले लो फॉर्म, ले लो। लो, पैसा नहीं लूंगा, दोगे तो भी नहीं लूंगा, समझे ना, क्योंकि मालूम है कि PhD करने के बाद तुम्हारी क्या हालत होने वाली है। पैसे नहीं लूंगा मैं, दोगे तो भी नहीं लूंगा, चाहो तो देख के देख लो। तो रहने दो। नहीं नहीं, देख के देख तो लो, ले लो तो। देख के देखो ना, लूंगा नहीं मैं। ले लो। नहीं लूंगा कहा ना, दोबारा देख के देख लो, दोबारा देख के देख लो। नहीं लूंगा कहा ना, तीसरी बार देख के देख लो। ले ले। इतना प्यार से कह रहे तो ले लेता हूँ, खत्म करो यार, चलो। ओ उषा जी के पास फॉर्म जमा करा दो, चलो जी। भाई साहब। जी भाई साहब। जी मेरा नाम मुसद्दीलाल त्रिवेदी है। जी मेरा नाम रमेश पटेल है। जी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी मैं लल्लू प्रसाद कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में प्यून हूँ, मैं सिर्फ खाता हूँ। मुझे वो PhD करनी थी। क्यों करनी थी? इसलिए ताकि मैं जिंदगी में तरक्की कर सकूं, अभी टीचर हूं, प्रिंसिपल बनूं, फिर उसके बाद वाइस चांसलर बनूं। देखो भाई, आपकी जानकारी के लिए, हर कोई PhD करने वाला प्रिंसिपल या वाइस चांसलर नहीं बन जाता, कोई कोई प्यून भी बन जाता है। मैं उनमें से ही एक हूँ। PhD? हाँ, लोग मुझे प्यार से पटेल PhD के नाम से ही बुलाते हैं। अरे सर ऐसे कैसे हो गया? वो तो PhD करोगे तो पता चल जाएगा। देखो ये फॉर्म ले लो, मेरी बात मानोगे तो PhD नहीं करोगे, फिर भी मैं बहस नहीं करूंगा, उषा जी से मिल लो। देखो सासू माँ, घर के सारे नौकर निकाल दो, कल दो नए लोग आ रहे हैं PhD करने के लिए, जो हम कहेंगे वो सब करेंगे। हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ पे हाथ रखे बैठना, समझी? मैडम। हाँ ठीक है, क्या दो से काम नहीं होगा? ठीक है फिर एक रख लेना, जब तक कोई नया PhD करने नहीं आता, समझी? एक क्या है मैडम, मैं PhD करने आया हूँ। तीसरा भी निकाल दो, सब निकाल दो, आ गया है। जी जी कुछ नहीं, मैं रखती हूँ। हाँ जी बोलिए। जी मेरा नाम मुसद्दीलाल त्रिवेदी है। हाँ सर, क्या करें? मैं लल्लू प्रसाद कॉलेज में टीचर हूँ। क्या बोल दो? जी हाँ, पढ़ाता हूँ वहाँ पे। अच्छा एक मिनट, बेटा 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 अपनी कॉपी तो दो, ये होमवर्क कर सकते हो? ये तो बहुत आसान है, आराम से कर सकता हूँ। तो कर लीजिए ना, मेरे बिल्लों से नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं तो यहाँ पे PhD करने के लिए आया हूँ ना। KG का होमवर्क नहीं कर सकते, PhD क्या करोगे? यही तो। अच्छा चलिए लाइए, मैं आपका काम कर देता हूँ। मेरा होमवर्क नहीं, मेरे बच्चे का। मेरा होमवर्क तो तुम बाद में करोगे। ये क्या? मेरे होम का वर्क। अच्छा चलिए, ये तो मेरे बस का नहीं है, लेकिन मैं ये बच्चे का होमवर्क कर देता हूँ। रहने दीजिए, ये भी रहने दो, वो भी रहने दो, रहने दो। थैंक यू, आप ये फॉर्म ले लीजिए और एनरोलमेंट कर लीजिए। कल आना। कल क्यों, आज क्यों नहीं? बहुत काम है। काम कहाँ है, आप तो सब्जी काट रही हैं। ये काम नहीं है। नहीं ये तो आपका पर्सनल काम है ना। तो मैं अपना काम नहीं करूंगी तो किसका करूंगी? क्यों, तुम मेरे मामा के लड़के हो? नहीं तो मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? भाई ये आपकी ड्यूटी है। मैं ड्यूटी नहीं करूंगी तो क्या करोगे? मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। वहाँ राइट में मुड़ जाओ, कंप्लेंट बॉक्स है, वहाँ पे डाल देंगे। नहीं मैं आपके बड़े अफसर से कंप्लेन करूंगा। कंप्लेंट बॉक्स के बाजू में ही बड़े साहब बैठते हैं, पांडे जी उनका नाम है, जल्दी जाइए वो निकल जाएंगे। तो आपको कंप्लेन का कोई डर ही नहीं है? क्यों होगा, आपके खिलाफ कार्यवाही होगी ना। कार्यवाही तो वहां होती है जहां कार्य होता है, यहां कोई कार्य ही नहीं करता तो कार्यवाही कौन करेगा? यही तो। ठीक है मैं आपके बड़े साहब से बात करता हूं चल के। हाँ अरे
सर मुझे नहीं बाबू आप। अरे पीयूष शुक्ला तुम यहाँ? हाँ सर, सोचा थोड़ा पीएचडी कर ले। पीएचडी तुम? हाँ हाँ पीएचडी हम। तुम कैसे कर सकते हो भाई, तुम तो मैट्रिक पास हो। प्लीज सर वो कल की बात है, आज हम एमए पास हैं। एमए कब की? कल जब आप बाजार भेजे थे ना पेन लाने के लिए, तो राष्ट्र मोटर के दाएं मुड़ करके एमए कर लिया। एमए कर ली? हाँ सर वो भी डबल। अरे तो नकली सर्टिफिकेट है। अरे नहीं सर असली मछली है। देखो पीयूष शुक्ला ये पीएचडी जो है ये बच्चों का खेल नहीं होता है। सर आजकल बच्चों का खेल ज्यादा मुश्किल हो गया है, हम तो खेल ही नहीं सकते, इसलिए हमने सोचा पीएचडी कर लो, लाइफ में कभी बाय हुक एंड क्रूक प्रिंसिपल बन जाएंगे। पीयूष शुक्ला कॉलेज का प्रिंसिपल? हटिए मत, दिस इज रियल लाइफ सर, हटिए मत। नहीं 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 मतलब हंस नहीं रहा हूं मैं। ठीक है भाई ऑल द बेस्ट। हाँ सर ओके सर, डोंट वरी। कितनी डिग्रियां बनवानी हैं? अरे सब बन जाएंगी सर, डोंट वरी। ओके बाय। यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू? देखिए मेरा नाम मुसद्दीलाल त्रिवेदी है, मैं ललू प्रसाद कॉलेज में टीचर हूँ और पीएचडी करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं एनरोलमेंट करवाने के लिए जब अपना फॉर्म देने के लिए गया तो वहाँ जो मैडम बैठती हैं उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बच्चे का होमवर्क कर, तो कहने लगी मेरा होमवर्क कर। मतलब मैं एक रिस्पेक्टेड टीचर हूँ, ये कोई तरीका? कहती हैं कि जब तक ये नहीं करोगे तब तक मैं फॉर्म नहीं लूंगी। रिलैक्स रिलैक्स। देखिए पांडे जी मैं चाहता हूँ कि आप फौरन उनके खिलाफ कार्यवाही करें। भाई यहाँ अपना कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है और आप कह रहे हैं कार्यवाही करें? नहीं देखिए ये बात तो गलत है। भाई हम इंसान हैं, एक दूसरे के काम आना हमारा फर्ज है, ये बात मानते हैं कि नहीं? हाँ मानता हूँ, बल्कि मैं तो यही शिक्षा देता हूँ। लेकिन लेते नहीं आप मुशा जी का काम कर देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा सब्जी काटने के लिए कह रही थी, मैं टीचर हूँ, मतलब टीचर होकर सब्जी काटूंगा कैसा लगेगा? टीचर का एक काम क्या होता है? लोगों को सही रास्ता दिखाना। तो आप उस भटकी हुई औरत को रास्ता दिखाइए ना। कैसे? सब्जी काट के? नहीं आता है तो आप काट के बताइए। मुझे कहाँ आता है काट के? इसका मतलब आपकी शिक्षा में कमी है। देखिए मैं हिंदी का टीचर हूँ, आप हिंदी के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। उषा जी ने हिंदी में पूछा था क्या कि सब्जी काटिए? सब्जी काट, हाँ हिंदी में ही पूछा। बात भी आपके समझ में नहीं आती, मतलब आप भी यही चाहते हैं? नहीं नहीं देखिए देखिए मैं बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आप चुपचाप उनकी सब्जी काट के मामला खत्म कीजिए। लिखे आदमी लगते हैं। जी बिल्कुल, टीचर हूँ, एमए बीएड हूँ, पीएचडी करना चाहता हूँ। बस तो शुरू कीजिए पीएचडी की पढ़ाई सब्जी काट के, ये पहला पार्ट है। अच्छा वही करता हूँ। डोंट वरी मैडम, साड़ी काट दूंगा लाइक दिस। ये तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है शुक्ला। क्या है ये? मैं सब्जी काटने के लिए तैयार हूँ। अब सब्जी कटने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कट गई? कल आना जी। हाँ और सब्जी लेके जी। मम्मी मेरा एनरोलमेंट। मतलब मेरा एनरोलमेंट? ये लो रिसीट, कल पांडे जी से मिलो। थैंक यू मैडम। मुसद्दी जी एक बात कहे, चापलूसी करना हर एक के बस की बात नहीं है। चलता हूँ मैडम। मैं सारी की सारी सब्जी घर से काट के ले आऊंगा, क्योंकि यहाँ सबके सामने कटवाएंगी ना तो मुझे थोड़ी इंसल्ट सी फील होने के चांसेस हैं। ठीक है, हमें क्या कटी सब्जी से मतलब है। ठीक है जी, मैं कल लेके आता हूँ कटी हुई सब्जी। ठीक है। ए मुसद्दीला, सब्जी लेकर एनरोलमेंट कराने चले हो? धीरे से बोलो ना, सबको पता चल जाएगा। अरे क्या धीरे से बोलो, वैसे भी सबको पता चलना ही है ना। देखो मेरी बात मानो, अभी भी टाइम है, ये पीएचडी का चक्कर छोड़ दो। जी नहीं, मैं तो पीएचडी करके ही रहूंगा। इसे देखकर अपने दिन याद आ गए। वाह एकदम फ्रेश सब्जी है। जी हाँ मैडम। मैडम मेरी पीएचडी कब होगी? देखिए पिछले 15 दिन से एनरोलमेंट हो चुका है मेरा, मैं रोज आपके लिए सब्जी काट के लाता हूँ, आपके बच्चे बिल्लू को पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी पीएचडी की पढ़ाई कब होगी? पढ़ तो रहे। ये पीएचडी की पढ़ाई है? यही तो। अच्छा तो मेरी पीएचडी का गाइड कौन है? ये आपका बेटा बिल्लू? बता दीजिए ना कि कौन है। प्रोफेसर भाटिया। वाह बेटा वाह, बड़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है तेरी, कहीं से नहीं लगता कि तू पीएचडी कर रहा है। इतनी सफेद धुलाई कहाँ से आई? इतनी स्मूथ पढ़ाई, वाह वाह, सब आपकी दया है गुरुजी। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन है भाई? सर मेरा नाम मुसद्दीलाल त्रिवेदी है, मैं आपके अंदर पीएचडी करना चाहता हूँ। बैठो बेटा बैठो। जी थैंक यू। तो पीएचडी क्यों करना चाहते हो बेटा मुसद्दी? जी मैं जिंदगी में तरक्की करने के लिए पीएचडी करना चाहता हूँ और आगे पढ़ना चाहता हूँ।
पढ़ने से तरक्की मिलती है, किसने बोला? ये मेरे पापा ने। कहाँ है वो? नहीं रहे। ऐसी गलत बात करेंगे तो कहाँ रहेंगे? जी नहीं, मैं कह रहा था कि किस विषय में इंटरेस्टेड हो? जी मैं हिंदी का कीड़ा हूँ सर। ओ, प्रेमचंद को जानते हो? जी ऐसे पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन मैंने उनको बहुत पढ़ा सर। क्या लिखते हैं, वाह! प्रेमचंद लिखता है? किस प्रेमचंद की बात कर रहा है? ओ मेरे सलीम जावेद, मैं उसकी नहीं, मैं प्रेमचंद हलवाई की बात कर रहा हूँ। बड़े चौराहे पे जिसकी बड़ी दुकान है, वो प्रेमचंद हलवाई, उसको जानते हो? उसको तो नहीं जानता हूँ। फिर कहाँ से कर पाएंगे पीएचडी? पीएचडी करने के लिए हलवाई को जानना जरूरी नहीं होता है, मैं तो साहित्य में रिसर्च कर रहा हूँ ना। नहीं नहीं, करो वो करो, लेकिन पहले इस प्रेमचंद हलवाई को जानो, फिर उसको जान पाओगे। कल आते वक्त 2 दर्जन समोसे 1 किलो जलेबी लेते आना अपने खाते में। जी। फिर मैं भोग लगा के तुम्हारी रिसर्च की तैयारी शुरू करूंगा। ओके? जी सर, जी। गुरु जी, मेरे दिमाग में कई सालों से एक प्रश्न चल रहा है कि मैं किस चीज पर रिसर्च करूं? किस चीज पे रिसर्च करना चाहता है मेरे बेटे? पान। भाई वाह, कमाल है। सर मुझे निराला के बारे में कुछ बताइए, उनके बारे में जानने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो आप उनके बारे में कुछ बताइए प्लीज। हाँ, निराला के बारे में तो मैं एक एक बात जानता हूँ, बचपन में हम लोग साथ खेलते थे भाई। मैं और निराला बड़ा ही शैतान बच्चा था। आज रेलवे स्टेशन के बाहर छोले भटूरे बेचता है। निराला छोले भटूरे बेचता है? हाँ, तो कल लेके आना, उसको बोलना भाटिया वाले स्पेशल बना के देगा। सर आप कौन से निराला की बात कर रहे हैं? निराला गोविंद नगर वाला। अच्छा, नहीं मैं निराला कवि के बारे में बात कर रहा था सर। ये कौन है? आप तो साहित्य के ज्ञानी है ना सर? हाँ हाँ, वो तो हम हैं। नहीं, तुम्हें कोई शक है कि हम नहीं है? नहीं, यकीन है सर। क्या मतलब ये था सर, अगर आप मुझे लेटर लिख देते ना तो मुझे लाइब्रेरी से किताबें मिल जाती, तो नहीं तो लेटर के बिना किताबें देंगे नहीं वो लोग। तो बेटा लेटर लिख लेना, मैं साइन कर दूंगा। जी। ये सारी किताबें तो लाइब्रेरी में नहीं है। अरे ऐसे कैसे पटेल, लाइब्रेरी में नहीं तो कहाँ चलेगी किताबें? वो तो पांडे जी घर ले गए हैं। घर ले गए पढ़ने के लिए? नहीं नहीं, अलमारी में रखने के लिए। क्यों? तो क्या है, किताबें घर पे होती है तो लोग पढ़े लिखे लगते हैं ना। अच्छा, लेकिन फिर मैं कैसे पढ़ूंगा? क्या पढ़ाई पढ़ाई, हाथ धो के पीछे पड़ गए, पढ़ाई के जाने दो ना अभी। नहीं भैया, मुझे हर हालत में पीएचडी तो करनी है। देखो मेरी बात मानो, वरना 2 बातें हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएंगी 2 बातें? या तो आप पीएचडी कर पाएंगे या तो नहीं कर पाएंगे। नहीं की तो बच गए, मगर की तो 2 बातें होंगी। या तो आपको तरक्की मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। मिली तो अच्छी बात है, और नहीं मिली तो 2 बातें होंगी। या तो टीचर के टीचर बने रहोगे या तो कुछ और बन जाओगे। कुछ और बन गया तो शाबाश, मगर टीचर बने रहे तो 2 बातें होंगी। या तो पढ़ोगे या तो पढ़ाओगे। पढ़ा तो ठीक, मगर पढ़ाया तो भी देखो, टीचर बन के भी पढ़ाना है, पीएचडी करके भी पढ़ाना है, तो फिर पीएचडी करने का फायदा क्या है? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं पांडे जी के यहाँ जाके किताबें लेके ही आऊंगा। भाई ये किताबें नहीं है लाइब्रेरी में। पता है तो मेरे पास क्यों लाए? क्योंकि किताबें आपके पास है ना। क्या, आपको कैसे पता? वो है ना आपका प्यून कम लाइब्रेरियन पटेल। नहीं, मैं घर में ले जाता हूँ पढ़ने के लिए। 6 महीने पहले लेके गया। हाँ, तो अभी अभी पढ़ रहे हैं आप? हाँ। सारी की सारी? हाँ, एक साथ। बारी बारी से पढ़ता हूँ। अच्छा, जिसकी बारी अभी नहीं आई है ना, वो किताब आप मुझे दे दीजिए। अरे भाई, जब तुम्हारी बारी आएगी तो पढ़ लेना। देखिए पांडे जी, बात ये है कि मुझे वो किताबें पढ़नी है क्योंकि मुझे अपने थीसिस की शुरुआत करनी है। किस लिए? अगर तुम्हें बनी बनाई थीसिस दिलवा दूं तो? कहाँ से? निकलवा देता हूँ किसी पुराने पीएचडी वाले। हाँ, 10,000 रुपए लगेंगे। देखिए पांडे जी, मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी नकल नहीं की है, और ना ही कभी करूंगा। मैं अपनी मेहनत की पढ़ाई से करूंगा पीएचडी। ठीक है, आप घर आके पढ़ लिया करो। क्या? दरअसल क्या है, वो सारी किताबें मेरे शोकेस में रखी हुई है। घर आना, 2-4 घंटे बैठ के पढ़ लिया करना। तुम्हारा काम भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये लो मेरा पता। जी ठीक है, थैंक यू। हेलो, हाँ डार्लिंग, तुम बोल रही थी ना नौकर को छुट्टी चाहिए, दे देना। नहीं, नया नौकर नहीं आ रहा है, एक टीचर है। ओके। क्या मुसद्दी लाल है, पढ़ाई बहुत जोर शोर से चल रही है। हाँ, आजकल बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। सुबह पांडे जी के बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ, दोपहर में उषा जी की सब्जी काटता हूँ, रात को भाटिया जी के लिए सब्जी पकाता हूँ, जो टाइम बच जाता है उसमें पढ़ता हूँ। शाबाश, फिर तो पीएचडी क्या, डबल पीएचडी बन जाओगे। ये भाटिया जी कहाँ है?
वो तो अंदर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। अच्छे होंगे ना गुरुदेव गुलाब जामुन? अच्छे। सर, मेरी स्टडी कैसी चल रही है? बेटा गोपाल दास, तेरी स्टडी थोड़ी वीक चल रही है। सर, मैं तो रोज अच्छी से अच्छी मिठाई लेकर आता हूँ। लेकिन कम लाता है बेटा, देख ले तेरे को मार्क्स भी कम मिलेंगे। नहीं सर, मैं कल से और ज्यादा मिठाई लेकर आऊंगा। हाँ, अब धीरे धीरे ये PhD करने लायक हो रहा है। सर, मैं अंदर आ जाऊँ? आओ आओ बेटा, बताओ क्या लाए हो, प्रेमचंद के समोसे या निराला के छोले भटूरे? मैं तो सर रिसर्च कर रहा हूँ ना, ये बताइए कि मेरी रिसर्च कैसी चल रही है? बिल्कुल बकवास चल रही है, थोड़ा प्रेमचंद और निराला पे ध्यान दो। हाँ, ये प्रेमचंद का तो ऐसा सर, जितना पढ़ो उतना ही कम है, और निराला तो आपको पता ही है सर, एकदम निराला ही है। बस बस बस, बार बार नाम मत लो यार, मुंह में पानी आता है। मतलब उनका साहित्य पढ़ने के लिए मुंह में पानी आता है। आप अपना थीसिस कंप्लीट कीजिए और जल्दी से जमा करा दीजिए। जी सर। गुरुदेव, इतना सब कुछ मुझे भी लिखना पड़ेगा क्या? बेटा, इसको थीसिस कहते हैं। ये क्या होता है गुरुदेव? उसकी टेंशन मत ले, तू तो बस समोसों की टेंशन ले, तेरी थीसिस की टेंशन तो हम ले लेंगे ना। अरे कहा ना, तुम लोग मेरी भूख की टेंशन लो, मैं तुम्हारी थीसिस की टेंशन लूंगा। बस समझ लो तुम्हारी थीसिस पूरी हो गई, बस 25,000 के समोसे खिला दो कैश। भट्टे जी, आपके आशीर्वाद से हिंदी साहित्य में आज मैंने अपनी रिसर्च पूरी कर ली, बस आप इसको पढ़ के इस पे अपनी मोहर लगा दे सर। इसे पढ़ते? जी सर। अबे इतने पेपर तो मैंने जिंदगी में नहीं पढ़े। सर, आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा है? हाँ हाँ, ठीक है, मैं पढ़ूंगा। तो सर, कब आऊं मैं? एक साल बाद। क्या सर? नहीं, एक महीने बाद। जी सर। मुस्तफा दिलाल जी, सुना है आपकी रिसर्च पूरी हो गई? अरे हाँ पटेल साहब, रिसर्च तो मेरी पूरी हो गई, अब सारे पेपर्स मेरे बाटिया साहब के पास हैं, बस एक बार वो हाँ कर दें तो मेरी PhD कंप्लीट है। यही तो बड़ी मेहनत की है इसने, दिन रात एक करके मेरे बिल्ली को पढ़ाया है। अरे हमारी बीबी बहुत तारीफ करती है आपकी। जी थैंक यू। भाटिया साहब कहाँ हैं? हमें किसी ने याद किया भाई। अरे भाटिया साहब, मेरी थीसिस आपके पास है, बस आप उसके ऊपर अपनी अप्रूवल की मोहर लगा दीजिए तो फिर मैं PhD हो जाऊंगा सर। सॉरी मुस्तफा लाल, मैं तुम्हारी रिसर्च को अप्रूव नहीं कर सकता। क्यों भाई? तुमने जो रिसर्च की है वो बहुत अच्छी है, पर उसी सब्जेक्ट पे किसी और ने रिसर्च करके सबमिट करा दी है आपसे पहले। क्या? हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम है, ऐसे लगता है जैसे तुमने उसकी नकल की है। इसने जमा कब की है? लीजिए मिठाई खाइए, मैं PhD हो गया। मुबारक हो भाई। भाटिया जी, मेरे PhD करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, और सिर्फ हाथ ही नहीं, मुंह और पेट। मैंने क्या किया है? मेहनत तूने की है, थीसिस तूने लिखी है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई? किस सब्जेक्ट पे थी थीसिस इनकी? किस सब्जेक्ट पे थी थीसिस मेरी? थीसिस थी हिंदी साहित्य पे। हिंदी साहित्य पे, और देखिए मैंने छपा करके किताब भी बनवा लिया। अरे ये तो मेरी थीसिस है, वर्ड टू वर्ड मेरी थीसिस है, ये तो चीटिंग है, ये थीसिस तो मेरी है। भाटिया जी देखिए क्या बोल रहे हैं। नहीं नहीं मुस्तफा लाल, मैंने तुमको बताया था ना कि तुम्हारी थीसिस किसी की नकल लगती है, और यही वो थीसिस है जिसकी तुम्हारी नकल लगती है। भाटिया साहब, मेरी थीसिस ओरिजिनल है, मैंने रात रात भर मेहनत करके बनाई है, साल भर की मेहनत है मेरी। क्या करें मुस्तफा लाल, आई एम सॉरी। नहीं, मेरे साथ तो धोखा किया गया। भाई जो हो गया तो हो गया, आप एक काम करिए, दोबारा से लिखना शुरू कीजिए। यही तो, ऐसी थीसिस लिखी जिसकी कोई नकल न कर सके। किस सब्जेक्ट पे लिखूं? PhD कैसे करें? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि PhD कैसे करें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।